अरे अंकल, ये खटारा साइड करो, कार पार्किंग है। अरे पापा, आप चाहिए मैं देख। मगर बेटा ये लोग। पापा आप टेंशन मत लो, प्लीज आप चाहिए। क्या देख क्या रहा है? क्या हुआ रितिका? ये पार्किंग तेरे बाप की नहीं, कार पार्किंग है, खटारा स्कूटर्स यहाँ नहीं खड़े होते हैं। लेकिन पापा बस मुझे ड्रॉप करने ही तो आए थे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये प्रॉब्लम है कि तुम जैसे लोग आ रहे हैं हमारे कॉलेज में टू व्हीलर पे, हमारे कॉलेज का नाम खराब होता है। इन लोगों की ना यही दिक्कत है, बड़े कॉलेजेस में एडमिशन तो ले लिए लेकिन मेंटालिटी वही मिडिल क्लास। बहन जी क्या लिखित में दू क्या? चल इधर आ। ये इनविटेशन किसने दिया तुझे? इनविटेशन तो सबको मिला है फ्रेशर्स पार्टी का। सबको मिला है पर स्कॉलरशिप पे आए गरीबों के लिए नहीं है ये पार्टी। ओह टू बैड। रितिका ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ओह प्लीज, इस कॉलेज का स्टैंडर्ड देखा है तुमने? 10 साल पुराने कपड़े पहनकर चली आती हो, तुम्हारे लिए नहीं है ये पार्टी। और वैसे भी तुम आके करोगी भी क्या? झाड़ू पोछा लगाने के लिए लोग होंगे यार वहाँ पे ऑलरेडी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं उधर। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए। बहन जी बट हुआ क्या है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? देखो रितिका, अगर कुछ हुआ है तो मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। तुम क्या हेल्प करोगी मेरी? हाँ मेरी सारी फोटोज लीक कर दी। हाँ सब बोल रहे हैं कि मेरी ही गलती थी, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। I'm sorry रितिका, कि अध्ययन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बट जो तुम कर रहे हो ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना? मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं ये सब खुद डील कर लूंगी। तुम अध्ययन की गलती की सजा अपने आप को क्यों दे रही हो? ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन देख तो मुझ पे रही है ना। अब मैं घर पे जाकर क्या कहूंगी अपने घर वालों से? देखो रितिका, तुम एक बारी मुझसे बात करके देखो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। Just go. तुम यहाँ? रितिका मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ यार। माफी मुझसे और इतना सब कुछ होने के बाद? हाँ यार, मुझे एक्चुअली रियलाइज हो गया कि मैं कितना गलत था,
मैंने जो कुछ भी करा वो सब गुस्से में आके किया था यार। तुम प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? कोमल ने अपने पापा से कहकर मेरे अगेंस्ट अनोनिमसली कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। कोमल के पापा ने ये सब कैसे? कोमल के पापा साइबर क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल हैं। उनको तो मेरा आईपी एड्रेस तक पता चल गया है। सब पता है कि ये सब मैंने ही। कोमल और उसके पापा ने इतना सब कुछ किया वो भी मेरे लिए? हाँ यार, तुम प्लीज बात समझो, मेरा फ्यूचर के बारे में तो सोचो यार। तुमने मेरे फ्यूचर के बारे में सोचा था? नहीं ना। और तुम्हें पता है मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करती थी, तुमने क्या किया? रितिका यार, आई एम सो सॉरी, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब ये पुलिस डिसाइड करेगी कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। रितिका प्लीज बात को समझो यार, प्लीज यार निकलो, बात को समझो। रितिका, रितिका मैं चलता हूँ, ठीक है, ख्याल रखना बेटा। अंकल। हाँ बेटा। मुझे अध्ययन ने बताया कि कैसे आपने उसकी कंप्लेन की और मेरी सारी पिक्चर्स रिमूव करा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बेटा ये तो मेरा फर्ज था, और फिर मेरी भी तो एक बेटी है, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ तुम पे क्या गुजरी होगी। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। नहीं बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है, तुम तो सिर्फ अपना ध्यान रखो। चलो ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। कोमल, मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत कहा और तुमने फिर भी मेरी मदद की, क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन से कोई भी लड़की गुजरती तो मैं उसकी हेल्प ही करती, और तुमने जो मेरे साथ किया वो तुम्हारी चॉइस थी। अब इस बेसिस पे तुम्हें ये सब सहन करना पड़े ये तो मैं नहीं चाहती। थैंक यू कोमल, तुम्हारी जैसी दोस्त हर किसी को मिले। अब मुझे दोस्त बना ही लिया है तो चलें क्लास में, लेट हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी नीटी।